हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर एक परिवार के घर पर शादियों की तैयारियां चल रही थी। शनिवार रात को दूल्हे के पाठ बिठाई की रस्म चल रही थी। इस दौरान सांप ने दूल्हे के दाएं पैर पर काट लिया। रस्म आधा यज्ञ छोड़ दूल्हे को आनंद फानंद में बाड़मेर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दूल्हे की तबीयत अब ठीक है। दूल्हे के जांच करवाने के लिए भेजी गई। रिपोर्ट आने के बाद छुट्टी दी जाएगी। दूल्हे का भाई बोला, पान मिठाई की रस्म के बाद रिश्तेदारों के घर पर बंदोले खाने वाला था, लेकिन अब अस्पताल में दवाइयां खा रहा है। दरअसल आदर्श नेत्रा निवासी दूल्हा धर्मराम पुत्र सताराम की शादी 21 अप्रैल को धनाव निवासी तुलसी पुत्री टीकू राम के साथ तय की गई थी। दूल्हे का परिवार शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। दूल्हा धर्मराम तेल चढ़ाने की रस्म आधा यज्ञ के बाद दाढ़ी में ही युवकों के साथ टहल रहा था। इस दौरान सांप ने उसे काट लिया। सांप के काटने के तुरंत बाद दूल्हे के परिजन जिला अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया। अस्पताल में दूल्हे का इलाज चल रहा है। फिलहाल दूल्हा खतरे से बाहर है। दूल्हे के कटारी पहन रखी है। दूल्हा धर्माराम दूल्हा का भाई कवारा राम का कहना है कि हम लोग घर में भाई की शादी की तैयारी कर रहे थे। लोगों को पीले चावल व शादी के कार्ड बांटते थे, लेकिन सांप काटने से तैयारी बीच में छूट गई। शनिवार रात घर पर लाइट डेकोरेशन का काम कर रहा था, पीछे भाई को सांप ने काट लिया। दूल्हे भाई की चिंता तो हो रही थी, भाई सही ढंग से चल नहीं पा रहा है, दूल्हा बनाएंगे तो थोड़ी दिक्कत तो होगी। डॉक्टरों ने बोला कि तबीयत ठीक है, रिपोर्ट आने के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। दूल्हा धर्माराम ने बताया कि शादियों व सामाजिक कार्यक्रम में लाइट डेकोरेशन का काम करता हूँ। शनिवार रात को सांप ने मुझे काट लिया था, रात को दर्द हो रहा था, लेकिन अब तबीयत ठीक है। डॉक्टरों ने सैंपल लिए हैं, रिपोर्ट आने के बाद छुट्टी दी जाएगी। दूल्हा का परिवार चिंतित था, लेकिन परिवार से बात करने के बाद उनकी चिंता थोड़ी कम हुई है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।